वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है डेली हेल्थ केयर चैनल में। दोस्तों आइए जानते हैं कि प्रेगनेंसी में अगर ज्यादा फैट लिया तो हो सकती है ये लाइलाज बीमारी। तो सबसे पहले डेली हेल्थ केयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि गर्भावस्था के दौरान वसा युक्त आहार लेने के क्या नुकसान हो सकते हैं, तो आइए देखते हैं हमारा ये वीडियो। माँ बनने का एहसास अनोखा होता है। गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान अपने खान पान का खास ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिला को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो जो भी खाती है उससे बच्चे को पोषण मिलता है, इसीलिए गर्भावस्था के दौरान स्वस्थ आहार का सेवन करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान बच्चे और प्लासेंटा के विकास के लिए प्रोटीन युक्त आहार जरूर लेना चाहिए। ये जी मिचलाने और थकान से भी लड़ने में मददगार है। महिला को कितना प्रोटीन लेना चाहिए ये महिला के वजन पर निर्भर करता है। सी फूड, लीन मीट, दाल, अंडा, दूध, बीन्स, अनसॉल्टेड नट्स और सीड्स इसका अच्छा स्रोत है। 90% गर्भवती भारतीय महिलाओं में प्रोटीन की कमी है। प्रोटीन की मात्रा या कमी से संबंधित जानकारी के लिए पोषण विशेषज्ञ यानी कि अपने डाइटिशियन से संपर्क करें। चिकित्सक भी प्रोटीन से संबंधित खुराक के बारे में बता सकते हैं। ज्यादा वसा युक्त आहार कर सकता है कैंसर। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में हुए एक नए अध्ययन में पाया गया कि गर्भावस्था के दौरान लिया गया फैट आहार यानी कि वसा युक्त आहार 3 पीढ़ी तक की संतान में स्तन कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने गर्भवती मादा चूहे पर सामान्य मक्के के तेल से बना वसायुक्त खाने का प्रयोग किया। इससे उसके अंदर अनुवांशिक बदलाव देखे गए जो काफी हद तक अगली 3 पीढ़ी की मादा संतानों में भी स्तन कैंसर की आशंका को बढ़ा देते हैं। अमेरिका में जॉर्ज टाउन लेबेंड्री कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर की प्रोफेसर लीना हिलाकीवी क्लार्के ने बताया कि ये अध्ययन गर्भवती महिलाओं में भोजन की परख के संबंध में सुझाव देता है। क्लार्क ने यह भी कहा कि पर्यावरणीय कारक और भोजन जैसे जीवन शैली कारक मानव जाति में स्तन कैंसर के खतरे को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं, इसीलिए महिलाओं और उनके संतानों में इस खतरे में इजाफा के लिए जिम्मेदार जैविक तंत्र के खुलासे के लिए हमने पशु मॉडल का इस्तेमाल किया। इससे पहले हुए अध्ययनों में उन्होंने पाया कि जिन चूहों पर गर्भावस्था के दौरान अधिक वसायुक्त भोजन दिया गया था उनकी मादा संतानों में स्तन कैंसर का खतरा अधिक था। यह अध्ययन ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च में प्रकाशित हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि ज्यादा वसायुक्त खाना गर्भावस्था के दौरान एक लाइलाज बीमारी को बढ़ावा दे सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। देखते रहिए डेली हेल्थ केयर चैनल।